करवा चौथ का त्यौहार जिस तरह से हम लोगों ने आपको यू फॉर यू वॉइस पे पूरा दिन कवरेज दिखाई कि किस तरह से करवा चौथ का त्यौहार मनाया जा रहा है, खास करके बात करें तो महिलाओं की, तो मेहंदी लगाने में व्यस्त, चूड़ियां खरीदने में व्यस्त, और अब टाइम आ चुका है कि मंदिर में जब सब लोग जो है पूजा अर्चना कर रहे हैं। आप देख सकते हैं कि इस टाइम साईं टेम्पल जो है गांधीनगर, यहाँ पर भी पूजा अर्चना का काम चल रहा है। और फिलहाल अभी हमारे साथ कुछ महिलाएं हैं, कुछ लड़कियां हैं, उनसे बात करेंगे कि कितना किस तरह से जो है करवा चौथ का व्रत मनाया गया। तो मैम सबसे पहले आपका नाम? खुशी सूरी। मैम पिछले साल भी आपसे बात की थी आज ही के दिन, और आज फिर से कर रहे हैं, करवा चौथ का त्यौहार किस तरह से मनाया जा रहा है? सबसे पहले तो मैं सबको कंग्रेचुलेशन बोलूंगी करवा चौथ के लिए। ये बहुत ही एक ऑस्पिशियस त्यौहार है, ये बहुत अच्छे से मनाया जाता है, ये हम अपने हस्बैंड के लिए रखते हैं, और हम चांद का वेट करते हैं, जब चांद आएगा चांद देखिए हम लोग अर्घ देंगे और फिर खाना। मैम कितना वेट हो रहा है चांद का? नहीं ठीक है, इट्स ओके, इतना भी वेट नहीं हो रहा, ठीक है, पहले अपने चांद का वेट कर रहे हैं, अपना चांद आएगा उसके बाद यू नो आसमान में चांद देखिए। तो मैम बाकी ओवरऑल अगर बात करें करवा चौथ का, तो क्या क्या रहता है सुबह सरगी से अगर हम स्टार्ट करें? पहले सुबह हम सरगी खाते हैं, पहले नहा के अच्छे से प्यासा रोके सरगी खाते हैं, उसके बाद मेकअप तैयार, पूरा दिन बस चूड़ियों में, कभी ऐसे कभी वैसे, कभी मेकअप लिपस्टिक उतर गई फिर लगाओ, फिर सिंदूर लगाओ, बस पूरा टाइम ऐसे निकल रहा है, फिर शाम को फिर रेडी होते हैं, चेंज करते हैं, बस ऐसा से। मैम आपका नाम? माय नेम इज रौनक सूरी, एंड यू फॉर यू वॉइस के सभी व्यूअर्स को मेरी तरफ से हैप्पी हैप्पी करवा चौथ। थैंक यू सो मच मैम, और लास्ट ईयर भी आपसे बात की, इस बार फिर से बात कर रहे हैं। और मैम करवा चौथ की बात करें तो किस तरह से आज आप जो है करवा चौथ का त्यौहार मना रहे हैं? सुबह बहुत एक्साइटमेंट से हम उठे, पहले पूरे हफ्ता से हम लोग शॉपिंग कर रहे हैं, कंटिन्यूसली मार्केट्स में जा रहे हैं, नवरात्रों से ही हमारी जो है शॉपिंग शुरू हो गई थी। उसके बाद आज सुबह हम लोगों ने सुबह सुबह जब हम तीनों देवरानी जिठानी है, तो हम तीनों ने सुबह सुबह इकट्ठे साथ उठे थे, सुबह हमने सरगी खाई साथ में, उसके बाद हम लोग पूरा दिन एक दूसरे के कमरों में कभी ऐसे टाइम स्पेंड कर रहे थे, कभी मार्केट्स घूम रहे थे, अब उसके बाद हम शाम को यहाँ आते हैं थाली बटाने, और उसके बाद बस हम घर जाएंगे, अपने पतियों को देखेंगे, खुश हो जाएंगे, चांद आएगा, हम तोड़ेंगे। मैम आपका क्या नाम? मेरा मुस्कान सूरी, मैं जिठानी, ये बीच की और ये सबसे छोटी हम तीनों मिल बांट के पहले सुबह सरगी खाते हैं, उठकर फिर उसके बाद पूरा दिन वर्क करते हैं, चूड़े पहनते हैं, कितने सुंदर चूड़े हैं, हम लोग इकट्ठे सेम लेते हैं, हमेशा हमेशा सेम सूट पहनते हैं, और फिर अपने चांद का वेट करते हैं, अपने चांद का और अपने दूसरे चांद का। भूख लगी है, भूख भी लगी है, प्यास भी लगी है, लेकिन जहाँ पे अपने पति का सवाल हो तो आपको पता ही है एक औरत बहुत कुछ कर सकती है, ये वर्क क्या है। मैम करवा चौथ पे सबको क्या मैसेज देना चाहेंगे? बस यही कि इसको त्योहार समझे, इसको माने, बहुत बड़ा त्योहार है ये, संकट चौथ का वर्क है, इसको जरूर समझे और श्रद्धा से रखे, विश्वास से रखे, अपने पति को तुम किसी भी जंजाल से खींच के ला सकते हो, इसलिए आप सबको बहुत बहुत मुबारक है, और बस विश्वास से ये करवा चौथ का व्रत जरूर भगवान पूरा करते हैं। खुशी मैम लास्ट में आपकी तरफ से कोई मैसेज? यू फॉर यू की खास जो हर साल आपको कहीं ना कहीं हम कैमरा में कैद करने आ जाते हैं। हाँ यही मैसेज है कि आप हर साल हम आपका वेट करते हैं कि आप आएंगे और हमारी पिक्चर्स क्लिक करेंगे, हम अच्छा सा इंटरव्यू देंगे, ये सब लोग देखें और ये सब ये बात समझे कि ये संकट चौथ है, इसके पति के संकट चढ़ते हैं, इसलिए अच्छे से ही भगवान के आगे हाथ जोड़ लिए व्रत जरूरी है। यू फॉर यू वॉइस को जरूर फॉलो करें, इसका पेज लाइक करें, फॉलो करें, सब्सक्राइब करके फॉलो करें, पीजे से वेरी नाइस पेज, वेरी नाइस ऑप्शन। थैंक यू सो मच। आप लोग वॉइस पे से लाइव करवा चौथ की कवरेज देख रहे हैं, और मैं आपको ये कहना चाहूंगा कि आप लाइव बने रहे, कुछ ही देर में जो है चांद निकलने वाला है, और हम कोशिश करेंगे कि आप तक लाइव चांद निकलने की कवरेज भी दिखाएं इसी तरह से। आशीष कोहली के अलावा संदीप सिंह के साथ यू फॉर यू वॉइस।